तो आज की वीडियो होने वाली है टेंसेज के ऊपर। तो टेंसेज को हम आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल से कवर करने वाले हैं, इनके बेसिक से लेकर और इनका जो भी लेवल होता है एडवांस्ड लेवल तक इनको देखने वाले हैं। और इसमें हम इनको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और एग्जांपल्स भी हिंदी के ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि टेंसेज को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस और फिर होता है आपका फ्यूचर टेंस। अब ये जो आपके तीन भाग हैं, इनको अलग से चार भागों में बांटा गया है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस को बांटा गया है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह से जो पास्ट टेंस है, इसको भी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से फ्यूचर को भी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार चार भागों में बांटा गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर इसका मतलब होता है भविष्यकाल। तो इस तरह से आप इन सबको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर पास्ट पर जाएंगे, फिर फ्यूचर पर जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो सिंपल जो सेंटेंसेज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव, इन दोनों का जब मिक्सर होता है, उनको आप किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपल जो टेंस है, यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, उनके लिए आपको इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है जो सिंपल टेंस के आगे लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी वर्ब आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर इंटरोगेटिव में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट सबको पता होता है, जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। वर्ब आपका वो होता है जो काम आप करते हैं और ऑब्जेक्ट आपका वो होता है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। ये हेल्पिंग वर्ब का लफड़ा होता है जिस पर बच्चे फंस जाते हैं। तो नीचे मैंने हेल्पिंग वर्ब को अलग से लिख दिया है। देखिए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इधर लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आपको डूडल्स लगानी है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आपको इजम माल लगानी है, प्रेजेंट के परफेक्ट में आपको हैज हैव लगानी है। इसी तरह से पास्ट के इंडेफिनेट में आपको डिड लगाना है, पास्ट के कंटिन्यूअस में वाजवर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सो ऑन, और जो आगे है इसी तरह से आपको उनको यूज करना है। तो चलिए अब करते हैं प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कि हम किस तरह से अपने प्रेजेंट टेंस को बनाते हैं। ये तो आपको पता है कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि इस टेंस में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ हमारे वर्तमान से जुड़ा होगा, हमारे अभी के काल समय से जुड़ा होगा, जो प्रेजेंट का समय होता है। देखिए, ये जो प्रेजेंट का समय है, इसको हम चार भागों में बांट देते हैं। एक होगा इंडेफिनेट, जिसका मतलब ये होता है जिसके बारे में आपको या ना तो ये पता हो कि कब से शुरू हुआ है और ना ये पता हो कि ये कब तक चलता रहेगा, ये इंडेफिनेट है। देखिए, डेफिनेट का मतलब आप जानते हैं निश्चित, इंडेफिनेट अनिश्चित, समझ में आ गया। दूसरा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूटी, जब कोई चीज कंटिन्यूटी में होगी तो वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कि वो काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्टली से खत्म होना चाहिए या फिर परफेक्ट शुरू होना चाहिए, उसमें कुछ भी मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि परफेक्ट होना चाहिए, हाँ का हाँ, ना का नहीं, इस तरह से। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है इसमें परफेक्ट का भाग भी होगा और कंटिन्यूअस का भाग भी होगा, इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो है, इनकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। इंडेफिनेट को आप पढ़ते हैं ता है, ते है, ती है, इस तरह से। और जो कंटिन्यूअस है, उसको आप यदि हिंदी में पहचानना चाहते हैं तब आपको रहा है, रहे हैं, इस तरह के जो शब्द हैं आपको अपने हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लिखे दिखेंगे। और जो परफेक्ट है, इसमें आपको चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे अपने हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें आपको से रहा है, से रही है, इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे। आखिर ये आए क्यों हैं ये वर्ड्स? ये वर्ड्स इसीलिए आए हैं कि जब भी हम इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं,
उसमें ज्यादातर आपको यही बोलना पड़ेगा, वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, वो बोलता है, वो नाचता है। तो मतलब ये ता है, ये वर्ड आपके आएंगे ही आएंगे। और जो कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेज होते हैं उनमें आपको रहा है, रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको पहचानने का तरीका है। बाकी मैंने इनकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आपको पहले बता दी कि जहां पर भी कंटिन्यूटी वाला काम हो, कंटिन्यूअस हो, मतलब कोई चीज आपके सामने रेगुलर चल रही हो, तब आपको उसे कंटिन्यूअस में पहुंचा देना है प्रेजेंट का। और यदि हिंदी में आप पहचानना चाहते हैं तो रहा है, रहे हैं, जैसे कि वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, तो रहा है, रहे हैं, इस तरह से आते हैं। परफेक्ट में ये क्यों आए? देखिए, जैसे आप बोलते हैं कि कोई काम परफेक्ट हो गया है, चाहे तो वो परफेक्ट खत्म हो गया है या परफेक्ट शुरू हो गया है, खत्म या शुरू हो गया है, वहां पर आप परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि वह जा चुका है, या फिर आप बोल सकते हैं वह जा लिया है। आप चुका है बोल दीजिए या लिया है बोल दीजिए, भाई सेंस तो वही है ना, वो जा चुका है मतलब वो यहां से चला गया है। या फिर दिया है, लिया है, जैसे कि उसने सामान दे दिया है, उसने सामान ले लिया है, इस तरह से। उसने एक गाड़ी ली है, उसने एक पेन दिया है, इस तरह से वर्ड्स आपके आते हैं। समझ में आ गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कार्य कंटिन्यूटी में है अभी, और मतलब पास्ट के किसी समय में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यूटी में है। जब भी तो ये दो टेंसेज को मिलकर बना है, एक परफेक्ट, एक कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कार्य अभी कंटिन्यूटी में है, तो यहाँ पर भी कार्य कंटिन्यूटी में होगा और पास्ट में किसी समय में वो शुरू हुआ है। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा है, तो मतलब सुबह से उसने पास्ट स्टार्ट किया और अब भी खेलने का काम चल रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस तरह से यूज होती है। जो आपका इंडेफिनेट होता है प्रेजेंट का, इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है, और बाकी सब्जेक्ट तो सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, ये सबको पता है कि आगे पीछे आते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें आपको इजमआर यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। देखिए, सब्जेक्ट इससे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में, मैं उनको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हर सेंटेंस में सेम रहेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। जो अटकाने वाली चीज है जिससे बच्चे अटक जाते हैं वो यही है, इनमें कंफ्यूज रहता है बच्चा। तो इजमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगानी है कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में क्या करना है, हैज हैव का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो परफेक्ट है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इन दोनों के मेल से कैसे बना है? परफेक्ट की इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दी हैज हैव। देखिए परफेक्ट में यूज किया ना हैज हैव, तो हैज हैव हमने कर दी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बीन लगाकर, और कंटिन्यूअस की वर्ब यूज कर दी। कंटिन्यूअस में वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो हमने कंटिन्यूअस की इसमें वर्ब यूज कर ली, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस की वर्ब, उसके बाद सिंस फॉर हमने समय के लिए लगा दिया। समझ में आ गया? अब देखिए आपको किस तरह से इनको फिट करना है। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद यहां से आपको हेल्पिंग वर्ब ले लेनी है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर मैंने आपको वर्ब भी बताई हुई है कहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, फिर आपको वर्ब लगानी है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आपका आता है। इस तरह से आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रेडी है, अब आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स आए थे जैसे इज एम आर, हैज हैव, ये कहाँ पर किसके साथ यूज होंगे, तो देख लीजिए जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, नेम। नेम का मतलब है किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। अब जैसे मेरा नाम चिंटू है तो मैं यहाँ पर चिंटू लिख सकता हूँ, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल, ललित, देवेंद्र, नवीन, जो भी कुछ है, आप यहाँ पर अपने नाम को लिख के उनके साथ इज लगा सकते हैं। जैसे मेरा नाम चिंटू है तो मैं बोलूंगा चिंटू इज, चिंटू वाज, चिंटू हैज, चिंटू डज, इस तरह से। इसी तरह से ही इज, ही वाज, ही हैज, ही डज, मतलब इनके साथ हम इज, वाज, हैज और डज इनका यूज करते हैं। और बाकी जो डिड है, हैड है और विल है, इनमें कोई मतलब इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनका आप सबके साथ यूज कर देते हैं, ही सीट के साथ भी और जो भी बच जाते हैं उन सबके साथ भी, ये ऑलराउंडर हैं, सबके साथ यूज होंगे। अब इनके अलावा जो बचे जाते हैं उनको आपको, इनको छोड़कर, ये जो थर्ड पर्सन है इनको, इनको छोड़कर बाकी सबके साथ यूज कर देना है। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसमें हमने पढ़ा था ता है, ते है, ती है, ये इसकी पहचान है। इसमें स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आपको लगाना है, मैंने आपको बताया था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि वह जाता है, वह जाता है। अब देखिए इसमें हमने लिख दिया ही गोज, कैसे लिखा?
वह क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही लिख दिया। उसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाकर। तो वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब है कार्य, कार्य का मतलब है जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है यहाँ पर, वह जाता है, जाने का काम है, तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। अब गो हमने लिख दिया, उसके साथ एस या ईएस में से कोई एक लगा दिया, तो मतलब ईएस हमने यहाँ पर लगा दिया, बन गया ही गोज। अब बच गया ऑब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, तो बोल देंगे खाली ही गोज, वह जाता है। मैं खेलता हूं तो बोलेंगे आई प्ले, आई आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका क्या है, प्ले है यहाँ पर आपकी वर्ब। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर ई एस आपने क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर एस या एस क्यों नहीं लगाया, तो ये जो एस या एस है ये सिर्फ तभी लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही सी इट, देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही सी इट, जब आपके ये होंगे तभी आपको एस या एस यहां पर लगाना है। देखिए आप देखते हैं तो लिखेंगे यू वॉच, अब देखिए ही सी इट नहीं है इन दोनों में, यहां पर आई है यहां पर यू है, यू सेकंड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जबकि एस या एस लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो इसलिए इनमें एस या एस नहीं लगा। तो अब यहां पर हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं, तो यहां पर देखिए ता है, ता हूं, ते हैं, इस तरह से आपने पहचान लिया। और दूसरी जो मैंने इनकी पहचान बताई थी वो ये है कि कोई काम, देखिए इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में क्या देखा है आपने, पहले देखिए डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब है निश्चित, इंडेफिनेट का मतलब क्या हो गया फिर, जब डेफिनेट का मतलब निश्चित है तो इंडेफिनेट का मतलब हो गया अनिश्चित, मतलब जिस काम के बारे में ये ना पता हो कब से हो रहा है और कब तक होता रहेगा, तो वह जाता है, आपको ये नहीं पता कि वो कब से जाता है और कब तक जाता रहेगा, मतलब ये इंडेफिनेट काम होते हैं, समझ में आ गया, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को किस तरह से समझते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा था इसकी पहचान में रहा है, रहे हैं, रही हैं, आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजमार में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आपकी लग जाएगी। और देखिए ये बात आप हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट आगे और ऑब्जेक्ट पीछे, तो यहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो इजमार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, इस तरह से आप कंटिन्यूअस को पहचानोगे। कंटिन्यूअस की पहचान यही है कि उसमें वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगेगी। देखिए वह जा रहा है, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई चीज रेगुलरिटी में है, कंटिन्यूटी में है, तो यहां पर क्या है, वह जा रहा है मतलब उसके जाने का काम अभी कंटिन्यूटी में है, रेगुलरिटी में है, लगातार है, तो मतलब बोलेंगे ही इज गोइंग, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, इज यहां पर आपका है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गो, देखिए गो आपकी वर्ब है और इसके बाद हमने आईएनजी लगा दी गोइंग, समझ में आ गया, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। मैं खेल रहा हूं तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आप देख रहे हैं तो बोलेंगे यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को याद कर सकते हैं, कोई काम रेगुलर अवस्था में चल रहा है वहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है बोलने में, और हिंदी में आप इससे पहचान सकते हैं जब आपको इस तरह के वर्ड्स अपने सेंटेंस के लास्ट में लिखे हुए दिखाई दें, तो समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। और इंग्लिश में आप इस तरह से पहचान सकते हैं, आपको इंग्लिश के सेंटेंस में इजमार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जरूर मिलेगी, जो भी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, समझ में आ गया। अब देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, और इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसमें भी हमने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कवर कराई है, तो जरूर जाकर इसको भी डाउनलोड करें। तो चलिए आगे देखते हैं, अब है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, इसका जो पहचानने का ढंग है हिंदी के सेंटेंस में आपको मिलेगा चुका है, ली है, लिया है, इसी तरह से चुका है, लिया है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आपको हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में मिलेंगे। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर है सेंटेंस को, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए जो हैज और हैव है ये किसके साथ यूज होंगे, जो आपका हैज है लिख लीजिए, हैज आपका यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो मैंने आपको पहले बताया था,
यानी कि ही सी इट के साथ आपको हैज का यूज करना है, बाकी सबके साथ आपको हैव का यूज करना है। देखिए वह जा चुका है तो बोलेंगे ही हैज गॉन, तो ही आपका थर्ड पर्सन है इसलिए हमने इसके साथ हैज का यूज कर दिया और वर्ब की लगा दी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो गॉन कौन सी फॉर्म है, गो की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए मैं खेल लिया हूं तो बोलेंगे आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका प्ले है इसकी थर्ड फॉर्म है ईडी लगाकर प्लेड, और जो हमने हैव यूज किया है क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आता है आई। आपने किताब ले ली है तो बोलेंगे यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक, आपने किताब ले ली है। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, इसकी जो पहचान है उसमें आपको मिलेगा से रहा है, से रहे हैं या फिर से रही है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और सिंस फॉर आपको उसके बाद लगा देना है। देखिए यहाँ पर सेंस कुछ इस तरह से होगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट के किसी समय से स्टार्ट होकर अभी भी कंटिन्यूटी में होगा, जबी तो इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी भी होगी क्योंकि कंटिन्यूअस इसका नाम है, परफेक्ट का मतलब है पास्ट के किसी समय से शुरू हुआ होगा। आज शाम से बादल गरज रहा है, आज शाम से बादल गरज रहा है, इसका मतलब है कि अभी शाम नहीं है, अभी रात हो चुकी है, तो आप बोल रहे हैं कि भाई शाम से बादल गरज रहा है, तो मतलब अभी भी गरजने का काम बादल का चल रहा है, तो बोलेंगे द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, मतलब आज शाम से बादल गरज रहा है। नल 2 घंटे से चल रहा है, इसका मतलब है कि नल को चलते चलते 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी वो चल ही रहा है, तो बोलेंगे द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप किसका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहां पर आपको सिंस फॉर को किस तरह से यूज करना है, जब आपका निश्चित समय होगा तब आपको सिंस लगाना है, और जब आपको निश्चित समय के बारे में नहीं पता तब आपको फोर लगाना है। ये निश्चित अनिश्चित समय क्या है, तो देखिए जब आप बोलते हैं 2 बजे से तो मतलब आपने परफेक्ट एक्यूरेट टाइम बता दिया, मतलब निश्चित टाइम है। 2 बजे से और 2 घंटे से ये दोनों अलग अलग हैं। नीचे देखिए नल 2 घंटे से चल रहा है, मतलब हमने यहाँ पर बताई है टाइम ड्यूरेशन, जब आप समय अवधि को बताएंगे टाइम ड्यूरेशन को बताएंगे तब आपको यूज करना है फोर, और जब आप एक निश्चित समय बता देंगे कि भाई 2 बजे से, यदि मैं बोलता नल 2 बजे से चल रहा है तो यहाँ पर मैंने टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, यहाँ पर मैंने निश्चित एक फिक्स समय बता दिया है, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता, फिर मुझे सिंस का यूज करना पड़ता, लेकिन मैंने टाइम ड्यूरेशन बता दिया यहाँ पर 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, तब आपको 4 का यूज करना है। समझ में आ गया, फिक्स जब आप बताओगे जैसे अप्रैल से, मई से, जून से, ये फिक्स है, तब आपको इनका यूज नहीं करना, तब आपको सिंस का यूज करना है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। अभी हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस को भी हमने 4 भागों में बांटा था, जिसमें से पहला था इंडेफिनेट, दूसरा था कंटिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट, और जो चौथा भाग था वो था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट का। इनकी पहचान देखिए क्या है, इनमें आपको इंडेफिनेट में मिलेगा, इंडेफिनेट में आपको क्या मिलेगा, ली, दी, लिया, दिया, गया, इस तरह के आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। और जो कंटिन्यूअस टेंस होगा इसमें आपको मिलेगा रहा था, रहे थे, इस तरह के हिंदी वर्ड्स आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। और जो आपका परफेक्ट होगा इसमें आपको मिलेगा चुका था, लिया था, दिया था, या फिर ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स आपको परफेक्ट में मिलेंगे। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें आपको मिलेगा से रहा था, से रही थी, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो मतलब आपको जब भी हिंदी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स दिखें तो जिसके साथ जो टेंस है वो आपको पहचान लेना है। अब चलिए इनकी हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं जिनको लेकर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपका इंडेफिनेट टेंस होगा पास्ट का, उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस 3 ही चीज़ें यूज होंगी। पूरे टेंसेज में जितने भी 12 टेंसेज हैं उनमें से सिर्फ ये पास्ट का इंडेफिनेट ही इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट का कंटिन्यूअस, इसमें आपको वाज वर्ब यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी वर्ब के साथ आईएनजी की भी साथ में उसके बात होगी, मतलब जहां कंटिन्यूअस टेंस वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा लगानी है।
उसके बाद परफेक्ट टेंस में आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात आपको हर मतलब परफेक्ट टेंस के साथ यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस फॉर। एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो टेंसेज हैं ये सब सेम सेम रहेंगे, सिर्फ आपको क्या है ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब यहां से आ जाएगी, जैसे कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, तो वाज वर यहां पर आ जाएगा, वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वर्ब के साथ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आप पास्ट टेंस को समझोगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें आया था ता था, लिया, ली, दी, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वह जाता था तो बोलेंगे ही वेंट, ही वेंट। आप खेले तो बोलेंगे यू प्लेड, कई बार हम बोलते हैं ना भाई आप खेले वहां पर, तो यू प्लेड। आपने देखा, मतलब कई बार बोलते हैं ना भाई आपने देखा वो मूवी शो, या फिर वो शो जो वहां चल रहा था आपने देखा, यू वॉच्ड। तो यहां पर देखिए यू सब्जेक्ट है, वॉच के पीछे ईडी लगाकर इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो यहां पर हमने इसको सेकेंड फॉर्म लगा दिया। प्ले के साथ ईडी लगाकर इसको सेकेंड फॉर्म बना दिया और गो की सेकेंड फॉर्म लिख दी वेंट। एक बात आपको यहां पर याद रखनी है, वह जाता था इसको हम यूज्ड टू के द्वारा भी बना सकते हैं, पास्ट में कोई किसी काम को किया करता था उस वाले सेंस में, समझ में आ गया। तो पास्ट इंडेफिनेट को आप इस तरह से बनाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन चीजों को याद रखना है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, यानी कि इस तरह के वर्ड्स जब आपको मिले तो यहां पर आपको ये चीज मतलब याद रखनी है कि पास्ट में जो काम कंटिन्यूटी में था, पास्ट में जो काम कंटिन्यूटी में था वहां पर आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। यदि कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यूटी में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो रेगुलर अवस्था में चल रहा था पास्ट में, इसका ये मतलब है। जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से कोई एक, वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए वह जा रहा था तो बोलेंगे ही वाज गोइंग, ही आपका सब्जेक्ट है, अब ही थर्ड पर्सन है इसलिए वाज आ गया, थर्ड पर्सन नहीं होता, सिंगुलर नहीं होता, तो आपको वाज की जगह वर का यूज करना पड़ता है, जैसे आई के साथ आप वाज का यूज करते हैं, लेकिन जब आप इनको छोड़कर जैसे आपने लिख दिया यू तो आपको वर का यूज करना पड़ेगा, फिर गो के साथ आईएनजी लगा दी तो बन गया ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, इस तरह से आपको याद करना। अब भाई कोई आपसे पूछने लगे कि भाई वो वहां पर क्या कर रहा था, तो आप बोलोगे वो जा रहा था, मतलब आपने उस काम को कंटिन्यूटी में होते हुए देखा था पास्ट में, जब आपने उसको देखा तो वो कंटिन्यूटी में था, समझ में आ गया। देख मैं खेल रहा था तो बोलेंगे आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आप देख रहे थे तो बोलेंगे यू वर वॉचिंग, यू वर वॉचिंग। अब मैं खेल रहा था, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई वहां पर तुम क्या कर रहे थे, तो आप बोल रहे हो कि भाई मैं वहां पर खेल रहा था, तो मतलब पास्ट में आप किसी काम को कंटिन्यूटी में कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, इसीलिए तो इसका नाम कंटिन्यूअस टेंस पड़ा। पास्ट के कंटिन्यूटी वाले कार्यों को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। नेक्स्ट है परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इसमें चुका था, ली थी, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह के वर्ड्स आपको हिंदी में मिलेंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात आपको याद रखनी है, प्रेजेंट में हम कहाँ क्या चीज यूज करते थे, परफेक्ट में हम करते थे हैज हैव, बाकी सब कुछ सेम था, तो यहां पर हमें हैड रिप्लेस कर देना है उसके स्थान पर, तो बन जाएगा परफेक्ट टेंस किसका, पास्ट का। वह जा चुका था तो बोलेंगे ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। मैं खेल लिया था तो बोलेंगे आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। आपने किताब ले ली थी तो बोलेंगे यू हैड टेकन द बुक, यू हैड टेकन द बुक, आपने किताब ले ली थी। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपको से रहा था, से रहे थे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे अपने सेंटेंस के लास्ट में। स्ट्रक्चर बिल्कुल जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस था उसी की तरह रहेगा, वहां पर हैज हैव था, यहां पर हमने हैड यूज कर देना बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस फॉर। देखिए आज शाम से बादल गरज रहा था या गरज रहे थे, जो भी आपको बोलना है,
तो हमने वहां पर यूज किया था इसको प्रेजेंट के लिए, अब हम इसको पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब कोई काम किसी समय से हो रहा था पास्ट में। बोलेंगे द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, इस तरह से आप बोलोगे। नल दो घंटे से चल रहा था तो बोलेंगे द टैप हैड बीन रनिंग फॉर टू आवर्स, द टैप हैड बीन रनिंग फॉर टू आवर्स, मतलब नल दो घंटे से चल रहा था। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर पर। जिस तरह से हमने प्रेजेंट और पास्ट को देखा है उसी तरह से फ्यूचर को देखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फ्यूचर को चार भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपने पीछे देखा था, इसको भी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखिए इनका मतलब क्या है, जो इनकी हिंदी में पहचान है वो ये है इंडेफिनेट की। देखिए इनको अभी आप थोड़ी देर भूल जाइए, जो इनके नीचे लिखा हुआ है लिखिए, गायब कर दिया मैंने। तो इंडेफिनेट का मतलब होता है, आपको पता है, जिसके बारे में निश्चित समय के बारे में ना पता हो। जब आप किसी ऐसे काम के बारे में बात करेंगे जिसे आप फ्यूचर में करेंगे और वो काम वन टाइम होना चाहिए, वन टाइम का मतलब है आप उस काम को एक ही बार करेंगे फ्यूचर में, तब आपको इंडेफिनेट का यूज करना है। कंटिन्यूअस का फिर आपको पता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर का मतलब क्या है भविष्यकाल, भविष्यकाल का मतलब क्या है आने वाला समय। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई कल ही फ्यूचर है, कल नहीं, अब से आने वाले अगले 5 मिनट भी फ्यूचर है, 10 मिनट भी, 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, 10 घंटे भी, सब आपके फ्यूचर में काउंट होंगे। और जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट बस ये जो भी चल रहा है, इसके बाद कोई प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट ही है जो भी चल रहा है। पास्ट वो जो अब तक बीत चुका है, अब तक हमने प्रेजेंट और पास्ट उनको पढ़ लिया है, मतलब हमारे लिए वो पास्ट बन गया। अब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे, तो मतलब अभी आगे जो समय आने वाला है वो हमारा फ्यूचर है। ये नहीं है कि भाई आने वाली कल की तारीख ही फ्यूचर होगी, नहीं, ये बात आपको अपने दिमाग से निकाल लेनी है। आने वाला हर समय, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, हर 1 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, हर दिन, हर महीना, हर साल, सब कुछ फ्यूचर के अंदर आएगा। समझ में आ गया? तो वो जो आने वाले समय में आप जो कार्य कंटिन्यूटी में करते रहोगे वहां पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस, और यदि फ्यूचर में आप किसी काम को खत्म कर दोगे, जैसे मैं बोलने लगूं कि भाई कल तक मैं इसे खत्म कर दूंगा, तो मतलब ये परफेक्ट काम हो जाएगा आने वाले समय के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, फ्यूचर में किसी समय से स्टार्ट होकर किसी समय रेगुलर चल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब देख लीजिए हिंदी में किस तरह से पहचानोगे। वाक्य के अंत में गा गेगी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। कंटिन्यूअस में आपको रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। परफेक्ट में चुका होगा, लिया होगा, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंस के लास्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा होगा, से रही होंगी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए इनके देखते हैं, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनको किस तरह से यूज करेंगे। जो इंडेफिनेट है इसमें आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। विल क्या है? विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी वर्ब है। कंटिन्यूअस में आपको विल भी यूज करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और इसमें आपको विल हैव का यूज करना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और सिंस फॉर। स्ट्रक्चर यही है, इसमें ही आपको इन सब का यूज करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम फ्यूचर के इंडेफिनेट को देखते हैं। तो गागेगी ये आपको हिंदी में मिलेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वह जाएगा, तो बोलेंगे ही विल गो, मतलब किसी कार्य को वन टाइम में करेगा और आने वाले समय में करेगा। जैसे मैं बोलने लगूं कि भाई वह कल जाएगा शादी में, तो मतलब आने वाले समय में जाएगा, तो बोलेंगे ही विल गो। मैं खेलूंगा, तो बोलेंगे आई विल प्ले। आप देखेंगे, तो बोलेंगे यू विल वॉच। तो जहां पर भी आपको विल दिखे, विल वो समझ जाना है कि फ्यूचर का सेंटेंस है। जहां पर भी विल दिखे फ्यूचर का सेंटेंस है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा टेंसेज में जहां पर विल आपको नहीं दिखेगा फ्यूचर के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कंटिन्यूअस में देखिए रहा होगा, रहे होंगे, ये आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में मिलेंगे। इसमें जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देखिए यहां पर भी विल है। देखिए वह जा रहा होगा, तो बोलेंगे ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। मैं खेल रहा होगा या फिर मैं खेल रहा होऊंगा, जैसे भी आप बोल सकते हैं, तो बोलेंगे आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, तो बोलेंगे यू विल बी वॉचिंग, यू विल बी वॉचिंग। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि आने वाले समय में हम किसी कार्य को कर रहे होंगे या फिर कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, विल इसमें भी लगेगा। परफेक्ट
जो परफेक्ट टेंस है फ्यूचर का, उसमें भी देखिए विल है। तो फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो, सब में आपको विल दिखेगा ही दिखेगा। ये पहचान है फ्यूचर की। इसमें आपको चुका होगा, लिया होगा, इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे। स्ट्रक्चर परफेक्ट की तरह ही रहेगा। भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। वह जा चुका होगा तो बोलेंगे ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। मैं खेल लिया होऊंगा तो बोलेंगे आई विल हैव प्लेड, मतलब आने वाले समय में मैं किसी काम को कर चुका होऊंगा। समझ में आ गया। आपने किताब ले ली होगी तो बोलेंगे यू विल हैव टेकन द बुक, यू विल हैव टेकन द बुक। इस तरह से परफेक्ट को यूज करोगे। अब लास्ट रह गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस दूंगा जिसे आपको ट्रांसलेट करके बताना है। तो स्ट्रक्चर में जो परफेक्ट का कंटिन्यूअस है फ्यूचर का, इसमें आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में से रहा होगा, से रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सामने है। आपको विल हैव का यूज करना है, देखिए इसमें भी विल है। तो फ्यूचर का कोई भी टाइप क्यों ना हो, इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में विल लगेगा। इनकी किसी में विल बी लगेगा, किसी में विल हैव लगेगा, किसी में विल हैव बीन लगेगा, किसी में विल अकेला आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाकर सेंस फुल लगेगा। श्याम से बादल गरज रहे होंगे, ये हमने किसके लिए बोला है? एक ही सेंटेंस को हमने तीनों टेंसेज में यूज कर दिया। प्रेजेंट में हमने बोला था शाम से बादल गरज रहा है, तो हमने बोला था द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग, ये प्रेजेंट के लिए बोला था। जब हमने इसको पास्ट के लिए बोला था तो बोला था शाम से बादल गरज रहे थे, पास्ट में थे आएगा थे, तो हमने बोला था द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। तो हमने विल हैव के स्थान पर यहाँ पर क्या यूज किया था, पास्ट में हैड। अब फ्यूचर की बात हो रही है तो हमें ना हैड यूज करना है ना हैज हैव यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है विल हैव का कॉम्बिनेशन। कैसे बोलेंगे? द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग, मतलब शाम से बादल गरज रहे होंगे, किसके कब, आने वाले समय में। समझ में आ गया। नल 2 घंटे से चल रहा होगा, तो ये बात कर रहे हैं हम आने वाले समय की, फ्यूचर की, भविष्यकाल की, भाई आने वाले समय में 2 घंटे से चल रहा होगा नल। तो बोलेंगे द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। वह बाजार गया है, वह बाजार गया है। कई बार आपसे पूछते ना भाई आपका भैया कहाँ है, तो आप बोल देते भाई वो बाजार गया है। अब इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, तो आपको इसको कमेंट करके बताना है। और बुक का लिंक और ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।